ढलती हुई शाम के साथ हम फिर से आ चुके हैं कंपैरिजन वीडियो लेकर। यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले हैं दो बेहतरीन के स्मार्टफोन और आपको बताएंगे कौन सा है बेहतर। यहाँ पर सैमसंग की तरफ से है सैमसंग गैलेक्सी M30 और रेडमी की तरफ से है रेडमी का नोट 7 प्रो। हालांकि प्राइस में थोड़ा सा जो डिफरेंस है, बट यहाँ पर जो एक्सपेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वो कमाल के देखने को मिलेंगे। आप जब कंपैरिजन होने के बाद आपको जो नतीजा देखने को मिलेगा ना, वो बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा। तो आप यही सोचोगे यार कि इतने पैसे खर्चे से अच्छा है ये इतने सस्ते में ये क्यों ना खरीद लूँ। तो चलिए आप कंपैरिजन शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कौन सा है बेहतर, क्योंकि अगर आपको कोई स्मार्टफोन खरीदना है ना तो उससे पहले कंपैरिजन वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और मैं बता दूं यहां पे ना, तो दोनों स्मार्टफोन काफी कमाल के हैं और कंपैरिजन करने के बाद देखते हैं किसमें कितना दम है, मतलब इनकी जो सारी चीजें देखते हैं और देखते हैं कौन है सबसे बेहतर जो आपको परचेस करना चाहिए। हाय गाइस, मेरा नाम है कमल, करता हूं सभी का स्वागत है एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, साथ ही साथ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, और ये एकदम फ्री है यार, तो सब्सक्राइब अभी ठोक दो। यहाँ पे अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M30 तो कमाल का स्मार्टफोन है, और इसकी प्राइस के बारे में बात कर लें तो 17,990 में आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। और अगर हमारी रेडमी नोट 7 की बात कर लें तो ये तो बेहतर का स्मार्टफोन है ही, और साथ में इसकी प्राइस जो बात कर लें तो 13,990 में आपको देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन। प्राइस रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट जब नतीजा मिलेगा तो आप भी सोचोगे यार कि हाँ इससे अच्छा वेस्ट करने से यही खरीद लेता तो काफ़ी बेहतर का हमें फ़ोन भी मिल जाता, मेरे पैसे भी सेव हो जाते। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कौन सा है बेहतरीन स्मार्टफोन। सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो सैमसंग गैलेक्सी M30 में हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ रेडमी नोट 7 की, तो वहाँ पर जो हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है वो 6.3 इंचेस का IPS LED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर मैं डिस्प्ले की बात करूँ कि डिस्प्ले के हिसाब से हमें किस फोन पर जाना चाहिए, तो आपको सैमसंग गैलेक्सी M30 पर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी बड़ी भी देखने को मिल जाती है। अगर नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ चले जो इसका कैमरा, अब मैं बात करूँ सैमसंग गैलेक्सी M30 में हमें जो रियर साइड में कैमरा देखने को मिलता है वो ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, 13+5+5 मेगापिक्सल का कैमरा। और वहीं मैं फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट जो देखने को मिलता है वो 16 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, 13 मेगापिक्सल आपका कैमरा होता है, 5 मेगापिक्सल आपका वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल आपका डेप्थ सेंसर। अब मैं बात करूँ रेडमी नोट 7 प्रो की, तो यहाँ पर जो हमें रियर साइड में डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है जो है 48+5 मेगापिक्सल का कैमरा, और फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो है 13 मेगापिक्सल का कैमरा। अब कैमरे के कंपैरिजन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ दोनों स्मार्टफोन में, तो दोनों ही काफ़ी अपनी अपनी जगह पे काफ़ी बेहतर हैं। अब यहाँ पे जो है वो आपको सैमसंग M30 में डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको वाइट एंगल सैमसंग गैलेक्सी में आपको वाइट एंगल लेंस देखने को मिल जाता है, और रेडमी नोट 7 में आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। तो थोड़ी सी डिफरेंस है दोनों में, बट अगर मैं बात करूँ तो दोनों अपनी अपनी जगह पर काफ़ी बेहतरीन के जो है वो कैमरे हैं। तो आप दोनों में से आपकी चॉइस है कि आप किस पे जाना चाहोगे, क्योंकि अगर आप ब्रांड पे जाना चाहते हो तो आप दोनों में से किसी भी कैमरे को ले सकते हो, दोनों ही अपनी जगह काफी बेहतर हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ चलें जो इसका प्रोसेसर, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी M30 में हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो एक्जिनोस 7904 देखने को मिलता है, काफी बेहतर का परफॉर्मेंस हमें दिखाता है एक्जिनोस 7904। अगर इसकी हम टॉप क्लॉक स्पीड के बारे में बात करें तो 1.8 GHz पर यह प्रोसेसर रन करता है, और प्रोसेसर ठीक ठाक है बोले तो अच्छा सा परफॉर्मेंस हमें दिखाएगा। अगर मैं बात करूँ रेडमी नोट 7 प्रो की, तो वहां पर जो हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है वो स्नैपड्रैगन की तरफ से देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन का 675 देखने को मिलता है, और ये जो प्रोसेसर है वो काफ़ी बेहतर है। अगर मैं इसकी टॉप क्लॉक स्पीड के बारे में बात करूं तो 2.0 GHz पर ये रन करता है, मतलब 2.0 GHz पर ये रन करता है, और ये जो बेंच मतलब टॉप क्लॉक इसकी स्पीड है वो एक्जिनोस 7904 से काफ़ी ज़्यादा आगे है। अब प्रोसेसर के मामले में जो आपको जाना चाहिए ना, वो आपको जाना चाहिए स्नैपड्रैगन का 675 पर। तो यहाँ पे प्रोसेसर के हिसाब से आपको रेडमी नोट 7 लेना चाहिए था। तो चलिए नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ चलते हैं जो इसकी बैटरी, क्योंकि M30 में हमें जो बैटरी देखने को मिलती है वो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, वहीं रेडमी नोट 7 में हमें जो बैटरी देखने को मिलती है वो 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। हालांकि M30 में फास्ट चार्जर भी आ दे गया, तो यहाँ पर बैटरी के हिसाब से जो अब आगे है सैमसंग गैलेक्सी M30, वहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M30 के साथ जाना चाहिए। अगर नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ चले जो इसका एंड्रॉयड, क्योंकि M30 में हमें जो एंड्रॉयड देखने को मिलता है वो ओरियो 8.1 देखने को मिलता है, हालांकि फ्यूचर में इसके और भी अपडेट देखने को मिल गए होंगे। वहीं मैं बात कर लूँ रेडमी नोट 7 प्रो की, तो यहाँ पर हमें एंड्रॉयड का 9.0 Pie देखने को मिलता है, फ्यूचर में इसके भी हमें अपडेट देखने को मिल गए होंगे। लास्ट एंड फाइनल फीचर्स की बात करें प्राइस, तो वो मैंने शुरुआत में ही बता दी, सैमसंग गैलेक्सी M30 आपको 17,990 में देखने को मिल जाएगा, और वहीं मैं रेडमी नोट 7 प्रो 13,990 देखने को मिल जाएगा। हालांकि
10, 20, 40, 50, 100 रुपए जो इसके ऊपर नीचे होते रहे ऑनलाइन में, अब आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी प्राइस कम है या फिर बजट कम है तो आप रेडमी नोट 7 प्रो ले सकते हो, काफ़ी कमाल का है। और मैं जो रिकमेंड करूँगा वो रेडमी का नोट 7 करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोसेसर भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले भी ठीक ठाक है, कोई बुराई नहीं है। प्रोसेसर आपको हाई देखने को मिल जाता है, कैमरा तो और बेटर आपको देखने को मिल जाता है। और M30 भी कम नहीं, क्योंकि वो भी बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन है, क्योंकि यहाँ पर आपको रियर साइड में ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है और फ्रंट में भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और जो इसकी डिस्प्ले है वो रेडमी नोट 7 से काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी है। प्रोसेसर के मामले में थोड़ा सा ढीले है M30, मतलब थोड़ा सा ढीले बोल सकते हैं इसे, ढीला है, क्योंकि भाई यहाँ पर 1.8 GHz पर रन करता है, वो 2.0 GHz पर रन करता है। तो यहाँ पर जो आपको जाना चाहिए, अगर आपकी बजट कम है तो रेडमी नोट 7 प्रो आप परचेज कर सकते हो, कोई शक ही नहीं है। अगर आपकी बजट ज़्यादा है, आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे सैमसंग लेना है, तो M30 आप खरीद सकते हो। तो आशा करता हूँ को वीडियो देखिए बहुत ही अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, साथ ही साथ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन बिल्कुल भी दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे ना तो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और हाँ, ये एकदम फ्री है यार, तो सब्सक्राइब अभी ठोक दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सायोनारा, आई एम साइनिंग आउट यार।